हाय फ्रेंड्स, मैं हूं यश। वेलकम टू हेल्दी मील्स। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे वर्मिसली। इसके लिए मैंने ले लिया है कढ़ाई में पानी, खुला अपने हिसाब से ले लो आप जितना भी लेना है, कि खुला पानी लेना जो कि चिपकी चिपकी ना बने। उसमें हमने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया, 1 चम्मच नमक डाल दिया इसमें, और हम इसको पानी को थोड़ा बॉयल होने देंगे। देखिए पानी में बॉयल आ रहा है, तो हम इसमें ये वर्मिसली ऐड कर देंगे। और वर्मिसली को हम 1-2 मिनट के लिए ही बॉईल करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, कि ज़्यादा बॉईल करेंगे तो ये ओवर कुक हो जाएगी। देखिए हम इसको 1-2 मिनट के लिए बॉईल करने देते हैं। अब ये अच्छी तरह से बॉईल हो रही है, ये देखिए थोड़ा थोड़ा हिलाते रहेंगे वर्मिसली को, ये देखिए ऐसी कुक हो जाए बस। ये देखिए बस 1-2 मिनट बाद ही हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। और स्ट्रेन करने के बाद हम मैंने ले लिया कढ़ाई में 1 चम्मच तेल, 1 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है। इसको हम ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ये देखिए ऐसे हल्का सा, मतलब थोड़ी सी सॉटे सी हो जाए बस, हल्की सी स्वेट होने लग जाए प्याज को, बस थोड़ा सा सॉटे करेंगे प्याज को। हम इसमें 1 अब छोटा आलू डाल लिया है, इसको भी प्याज के साथ ही फ्राई कर लेंगे। जब तक आलू गल ना जाए हम तब तक ही इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। और फ्रेंड्स, जब मैंने ये वर्मिसली उबाली थी तो स्ट्रेनर में स्ट्रेन करने के बाद 2 चम्मच तेल भी डाल लिया था और उसको अच्छी तरह से तेल लगा लिया था। और गाइस, अगर आप है ना उसको ना जैसे ही स्ट्रेन करोगे ना, आप ठंडे पानी में निकाल देना। और अब मैंने इसमें 1 चम्मच तेल, वो नमक डाल दिया, हल्दी डाल दिए 1/2 चम्मच, 1 चम्मच मिर्च डाल दिए, और नमक मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार ले लिया। 1 पैकेट हम मैगी मसाले का इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। ये देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो जाए सारे मसाले। फ्रेंड्स, मेरे पास तो ये थोड़े से ही मसाले थे, तो मैंने बच्चों के लिए तैयार करी थी टिफ़िन, तो जो था मेरे पास मैंने वो डाल दिया है। आपके पास वेजिटेबल्स वगैरह हो, मटर वगैरह, गाजर वगैरह, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। देखिए इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, जो कि हमारे आलू जो है अच्छी तरह से गल जाए और हमारा मसाला भी ना जले। इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा फ्राई करने दें। अब मैं इसमें ये वर्मिसली ऐड कर लूँगी, वर्मिसली ऐड करके, ये देखिए मैं इस तरह से स्ट्रेन में स्ट्रेन की थी, इसको ऐड करेंगे हम अच्छी तरह से। ये देखिए अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से मसालों के साथ वर्मिसली को। देखिए वर्मिसली को हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसको 1-2 मिनट के लिए। ये देखिए, और हल्के हल्के हाथों से ही मिक्स करनी है फ्रेंड, नहीं तो वो लड्डू सा बन जाएगा ना, चिपकी चिपकी सी, तो वो अच्छी नहीं लगेगी खाने में। देखिए अभी देखिए कैसे, देखिए तैयार हो गई हमारी वर्मिसली। आप भी अपने घर में ये वर्मिसली बनाइए और खाइए फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।